राजस्थान टीवी न्यूज खबर है बूंदी से, जहां पर राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर लाइन पुलिस में रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। पुलिस के जवानों का रक्त बनेगा संजीवनी, जिले के मरीजों को आवश्यकता पर रक्त मिलने सकेगा। बूंदी राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने भी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने वाले अधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने बताया कि हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए और अन्य व्यक्तियों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। उमा शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बूंदी, अमर सिंह उप अधीक्षक बूंदी ने भी रक्तदान कर पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाया। उमा शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बूंदी की प्रेरणा से महिला कांस्टेबलों ने भी रक्तदान किया। उमा शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बूंदी ने बताया कि हर व्यक्ति को समय समय पर स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसी तरह अमर सिंह उप अधीक्षक बूंदी ने भी रक्तदान पक्षात बताया कि हमेशा हर व्यक्ति को रक्तदान करते रहना चाहिए। इसमें व्यक्ति को झिझकना नहीं चाहिए। रक्तदान किसी भी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी नहीं होती। मैं अक्सर रक्तदान शिविर में पहुँच कर हमेशा रक्तदान करता रहता हूँ। नहीं हुई है, इसलिए रक्त का विकल्प रक्त ही है। हम दिन प्रतिदिन की लाइफ में देखते हैं कि
एक रोड एक्सीडेंट डिलीवरी और विभिन्न तरह की सर्जरी और थैलेसीमिक जो बच्चे हैं उसको रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी नोबल कोर्स से और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। मैडम, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रांतें हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, आपने भी रक्तदान किया है, कैसा महसूस करते हो? नहीं, समय समय पर मेडिकल टीम और डॉक्टर्स भी इन भ्रांतियों का खंडन करते रहते हैं। रक्तदान से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है, शरीर का अपना मैकेनिज्म है, जितना आप रक्त देते हैं उतना नया रक्त उसके अनुपात में बनता रहता है, बस आपको संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है। दिक्कत तो नहीं है सर, ये आपके सामने देंगे, नहीं तो नहीं दे रहे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर और अपील क्या करेंगे आम जनता? पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर जिला बूंदी पुलिस द्वारा डिस्पेंसरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस उपलक्ष्य पर सभी अधिकारीगण और हमारे जवान हैं वो रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान है और इसको करने में किस तरह का कोई संकोच नहीं करना चाहिए, सभी को रक्तदान करना चाहिए। इससे पूर्व कितने बार रक्तदान कर चुके हैं? पूर्व में भी जब भी शिविर लगते हैं मैं हमेशा रक्तदान। देखिए, पुलिस दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय के निर्देश भी और हमने आज एक दिन पहले रक्तदान शिविर का स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का ये आयोजन किया है। हमारे जवान अधिकारी हमारे एडिशनल एसपी उमा शर्मा जी, हमारे SHO प्लस हमारे जो CO साहब है और हमारे जवानों ने स्वैच्छिक यह रक्तदान किया है। आपको मालूम है कि कई बार ये प्रकाशित हुआ कि हमारे में रक्त की भारी कमी है, तो ये परम दान है रक्त का और इसी के तहत हमने आयोजन किया था। इसी कड़ी में हम कल हमारे यहाँ सुबह परेड का आयोजन है और जो हमारे प्रतिभावान जो छात्र हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में अच्छा मेरिट हासिल किया है उनको भी हम प्रशस्ति पत्र देंगे। जो उल्लेखनीय हमारे जो पारी किए जवानों ने अधिकारियों ने उनको भी हम करेंगे। इसके अलावा शाम को हम सायकाल को हमने बड़ा खाने का आयोजन किया गया सभी जवानों अधिकारियों का। सर, रक्तदान अपने आप में कहा जाता है महादान है, कमी भी आपने बताई है,
क्या कहेंगे जो रक्तदान नहीं करते? देखिए ये बड़ा अच्छा आपने जैसे बताया महादान है और इसमें रक्तदान करना चाहिए। जो नीडी पर्सन है उनको ये समय पर ये रक्त मिल सके, किसी की जान बच सके और इससे कोई जो साइड इफेक्ट हुआ है तो रक्तदान से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है। अगर समय पर समय पर कोई रक्तदान करता है तो स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है और इससे कई लोगों की जो नीडी पर्सन है उनकी जान भी बचती है।